तीन साल से एक्टिंग को सीख रही हूँ। कहीं घर से बाहर तो नहीं जाती हूँ पर सपोर्ट पूरा करती हूँ। कहीं जाते हैं तो साथ में जाती भी हूँ। ऐसे घर से बाहर निकलना मेरा शुरुआत से मना है। ना किसी से बोलने देते थे, ना किसी के पास बैठने देते थे, ना घर से बाहर निकलने देते थे। आज भी वही हाल है पर साथ में बहुत घूमती हूँ। तो घूमने का नतीजा यह है कि हम 31,000 महीने में कमाते हैं आज से। कुछ लोग जब मैं साथ में निकलते थे कुछ लोग कहते थे शक के मारे घूमती है। शायद मैं शक के मारे नहीं घूमती तो मैं इतना पैसा नहीं कमाती मैं और ना अपना खुद का घर होता। घूमने को तो शुरुआत से ही मैं घूम रही हूँ साथ में, अकेले नहीं नहीं जाती हूँ। अब लोगों की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग कहते हैं शक के मारे घूमती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि घूमने का शौक है, कुछ लोग कहते हैं बिगड़ गई है। लोगों की तरह तरह बातें सुनने को मिलता है पर मेरा एक ही विजन था, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना। वो हमने किया। शायद रास्ते में नहीं आते थे, एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाते, नहीं एक अच्छा पिता बन पाते, बस गलत संगत थी, गलत आदतें थी। अब तो मैं कहती हूँ इनके जैसा हस्बैंड कोई नहीं है। और हमारे घर के 80% बीमारियां भी खत्म हो चुकी है। घर में कोई बीमार भी नहीं पड़ता। बच्चे हैं तो उनका तो हम ज्यादा कुछ रोक नहीं सकते। बाहर का चीज खाते थे कभी कभार उनको हम सर्दी जो बुखार होता है। और अपने सर पर कभी पैसा एक पैसा हम दवाई पर नहीं लगाते। ये है आजकल का ताकत। कमाते थे बहुत बढ़िया, पैसा भी बहुत अच्छा आता था, लेकिन कभी बचा के नहीं रख पाते थे। और आरसीएम के आने के बाद 3 ही साल हुआ है लेकिन हमने 10 लाख का घर तैयार कर दिया। कहीं भी जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं अपना कमरा है, अपना घर है, रेंट पे हो। लेकिन अब गर्व से कहती हूँ मैं रेंट पे नहीं हूँ, अपना घर बन चुका है। तो ये है आरसीएम के पावर। और आरसीएम नहीं चलेंगे तो न खुद आजाद हो पाएंगे ना अपने बच्चों को आजाद करेंगे। वही 9 बजे से 9 बजे तक का किस लेके आना जाना ये लगा रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उनके साथ रहना, मैं हमेशा साथ में रहती थी। कभी भी कहती हूँ कि मुझे टाइम चाहिए, कहते टाइम नहीं है। और खुशी की बात यह है कि मैं मार्च महीने से इनको फ्रीडम कर रही हूँ। ये है आसन की ताकत। जो लोग बोलते हैं कि जो 45 साल के बाद हमें नहीं काम करना चाहिए, बुढ़ापा आ जाता है, मैं इनको 30 से 31 की उम्र में इनको बुढ़ापे की जिंदगी जीने के आजाद करती हूँ।